एक सनातनी हूँ, मैं शिव भक्त हूँ। अगर सनातन होना गुना है तो मैं गुनहगार हूँ। आजकल रेप मामले को लेकर पिछले दिनों छात्रों ने सीएम ऑफिस पर मार्च कर न्याय की मांग की थी। इस दौरान छात्रों के मार्च पर पुलिस लाठीचार्ज किया था। उग्र होते प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था। इस दौरान हाथ में तिरंगा लिए एक संत यानी एक बाबा खड़े थे। वीडियो वायरल होने के बाद बाबा की जमकर तारीफ हो रही है। इस बीच बाबा ने मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए, जो भी दोषी है उसे जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। इधर जो प्रशासन चल रहा है इनको देखना चाहिए। ये पश्चिम बंगाल का आधा नाड़ी है। इन लोगों का सुरक्षा भी प्रशासन को देना है। अगर प्रशासन इधर फेल कर रहा है, उन लोगों को जस्टिस नहीं दे पा रहा है, तो ये प्रशासन को अपने आप को ठीक करना है। और प्रतिवाद होगा, प्रतिवाद होता है प्रशासन को दिखाना कि तुम इधर गलती कर रहे हो, इधर ठीक करो। तो अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा से उसको देखे, पॉजिटिवली ले, तो वो सुधार सकता है। लेकिन अगर कोई सुधारने का ना चाहते हो तो नहीं होगा। ये जो प्रोटेस्ट था नवानो अभियान कहने के लिए, ये छात्रों की तरफ से था, लेकिन देखा गया कि इसमें हर वर्ग के, मतलब बोले बुजुर्ग थे या जो छात्र नहीं थे, उन लोगों ने भी शिरकत की थी, जिनमें से एक आप भी थे। तो क्या वजह थी कि हर तरह के लोग उसमें थे, जिसकी वजह से विपक्ष बोल सकते हैं या जो इस आंदोलन को गलत मान रहे हैं, उनका कहना है कि ये दरअसल छात्रों के नाम पर एक पर्टिकुलर पार्टी की आड़ में निकाला गया आंदोलन था। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये छात्र की तरफ से कॉल दिया गया था और बोला गया था जो कॉमन पीपल है वो आ जाए। उनका घर में भी लड़की होंगे तो उसका सिक्योरिटी के लिए आपको आना है और प्रशासन एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ से उसको मैसेज देना है। अगर इधर उधर पॉलिटिकल डिवीजन करके अगर ये कहा जा रहा है तो ये बात श्योर है, ये लोग आरजी कर की तरफ से नज़र हटा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। ऐसा हजारों आदमी हैं, हजारों लड़की हैं जो ये इस टाइप का विक्टिम है, तो उन लोगों को पहले लेना चाहिए, उन लोगों से पूछना चाहिए। प्रशासन पूरा के पूरा इन लोगों का साथ गलत कर रहा है, इन लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहा है। बात यही है, क्या ये नाइंसाफी कितना दिन तक चलेगा? आपको क्या लगता है एक सिटीजन होने के नाते कि ये जो रेप वाली घटना हुई है आरजी कर की, इसे लेकर राजनीति करना कितना उचित है? राजनीति तो देखिए, राजनीति अगर कहें इन ब्रॉड स्पेक्ट्रम, हर कुछ राजनीति है। घर में राजनीति होता है, बाहर गली मोहल्ले में राजनीति होता है, ऐसा गेम में भी राजनीति होता है। तो राजनीति का ये आप लोग जो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, हम लोग नहीं चाहते कि ऐसा राजनीति हो। हम लोग ये बोल रहे हैं क्या पॉलिटिकल पार्टीजन डिवीजन ना होते हुए आप इसको ओपन करिए, सभी को साथ बैठिए, उन लोगों का साथ सलाह परामर्श कीजिए और हो सकता है कुछ ना कुछ निकले। ऐसा कुछ बात नहीं है क्या जो नहीं निकले, कोई समाधान ना हो, बैठे ना। लेकिन इन लोगों का बैठने का कोई चाहत नहीं है, इसलिए मैं हाथ जोड़ के मांग रहा हूँ क्या बैठिए, बात करिए, नहीं तो ऐसा जड़गन फिर से निकलेगा और ये बहुत दूर तक जाएगा। आखिरी सवाल, माथे पे तिलक, गले में रुद्राक्ष और एक भगवा रंग, क्या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस है? ये आपका सनातनी रूप है? मैं एक सनातनी हूँ, मैं शिव भक्त हूँ। अगर सनातन होना गुना है तो मैं गुनहगार हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कोई ये इस आंदोलन को कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्फ्लुएंस करे, कोई इसको
डाइवर्ट करे। हमको जस्टिस चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए, जस्टिस चाहिए। ये हजारों लड़की लोग जो हर दिन रेप होता है उनके तरफ से मैं एक मुंह हूँ, मैं उनका तरफ से मैं प्रतिनिधि हूँ। मैं चाहता हूँ सिर्फ लड़की लोगों को सम्मान के लिए सभी लोग एक हो जाएं और जस्टिस दें।